और दूसरा था जो सभी लोग करते हैं उसको। चलो नेक्स्ट, टू रॉड है, दो रॉड हम लोगों के पास दिया हुआ है, तो दो रॉड अगर दिया हुआ है, ये ज्वाइंट है, बोथ हैव क्रॉस सेक्शनल एरिया, दोनों की क्रॉस सेक्शनल एरिया दी हुई है, ईच 1 मीटर लॉन्ग है, वन रॉड टू रॉड ज्वाइंट टू एंड शोन इन फिगर, बोथ हैव क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक रॉड यहाँ पर है समझना, और एक रॉड यहाँ पर है, दोनों की क्रॉस सेक्शनल एरिया, दोनों की एरिया क्रॉस सेक्शन ए है, और इसका लेंथ कितना है 1 मीटर, इसका भी लेंथ 1 मीटर है, ऐसे कुछ दिया हुआ है। रजिस्टिविटी, इसकी रजिस्टिविटी रो वन है और वो यहाँ पे मेंशन है, और इसकी रजिस्टिविटी रो टू है वो भी यहाँ पे मेंशन है 10 की पावर 5। तो हाउ मच वोल्टेज इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द करेंट 1 एम्पियर, अगर मैं 1 एम्पियर करेंट फ्लो कराना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू फ्लो द करेंट 1 एम्पियर, अगर मैं 1 एम्पियर करेंट फ्लो कराना चाहता हूँ तो मुझे कितने वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होगी इस सर्किट में, ठीक है। तो अगर इस वोल्टेज की वैल्यू मुझे निकालना है और यहाँ से जो करंट हो रही है वो 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये यहाँ से 1 एम्पियर करंट फ्लो रही, तो वोल्टेज वी की वैल्यू आ जाएगी आई आर, यही लॉजिक मेरा डेवलप होगा, तो आई इस पूरे सर्किट का जो आई है 1 एम्पियर रेजिस्टेंस आर, तो वी की वैल्यू रेजिस्टेंस आर के इक्वल आ जाएगी। अब ये रेजिस्टेंस कितना, ये जो ज्वाइंट कॉपर और आयरन, ये जो ज्वाइंट हुए हैं इनका रेजिस्टेंस निकाल लो, यही हमारा सलूशन दे देगा मेरे भाई। तो रेजिस्टेंस कैसे निकालें, अगर ये दोनों ज्वाइंट हो गए आपस में, ये एक कॉपर था और ये हमारे पास एक दूसरा आयरन था, अगर ये जो दोनों ज्वाइंट हो गए तो दोनों किस में कनेक्ट है भाई, ये दोनों प्लस माइनस दोनों सी, इसका रेजिस्टेंस आर वन है, इसका रेजिस्टेंस आर टू है, तो नेट रेजिस्टेंस कितना बना, नेट रेजिस्टेंस आर बना, वो बना आर वन प्लस आर टू, इन दोनों का सम, यही सलूशन हो जाएगा, यही नेट रेजिस्टेंस, इस इक्वेशन में हम इस आर को पुट कर देंगे, हमारा सलूशन हो जाएगा। अब आर वन आर टू निकालो, आर वन आर टू निकालने का क्या तरीका है, आर वन आर टू निकालने का तरीका है आर इज इक्वल टू रो वन एल वन, एल वन एरिया क्रॉस सेक्शन ए वन, ठीक है, प्लस रो टू एल टू एरिया क्रॉस सेक्शन ए टू, और यहाँ पे पहले से ही दिया है कि एल वन बराबर एल टू बराबर एल, और ए वन बराबर ए टू बराबर ए मान लेता हूँ, एरिया क्रॉस सेक्शन ये सब दिया हुआ है, एरिया क्रॉस सेक्शन इतना, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ से एल अपान ए कॉमन ले लेता हूँ तो ये ब्रेकेट में रो वन प्लस रो टू की वैल्यू बच गई बच्चों, बराबर है, तो ये हमारा आ जाएगा नेट रेजिस्टेंस। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ नेट रेजिस्टेंस आर, तो एल, एल देखो कितना है 1 मीटर, एरिया क्रॉस सेक्शन की वैल्यू डालो 0.01, तो 0.01 सेंटीमीटर में है, तो मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो 10 की पावर -4, और रेजिस्टेंस आर वन प्लस आर टू का सम, तो आर वन रो वन प्लस रो टू का सम, एक रो वन था 1.7 × 10 की पावर -6 प्लस दूसरा रो टू था इधर 10 की पावर -5, और ये देखना सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में दिया है तो मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूँ 10 की पावर -2 मीटर से, तो फाइनली ये देखो ये कितना आ जाएगा, तो यहाँ से 10 की पावर -5 और -7, 10 की पावर -7 इधर हो गया, और ये आ जाएगा 10 की पावर -6, और ब्रेकेट में बचा 10 की पावर 5 का मान आ गया, तो 1.7 × 10 की पावर -1, ठीक है, तो फाइनली ये जो बचेगा वो ये 10 की पावर -1 इधर आ जाएगा, और इधर बचेगा 0.17, तो 0.17 और प्लस इधर 1 आ जाएगा, तो 10 की पावर 0.17 इसको जोड़ लो, एक मिनट, 0.17 और प्लस 1, तो फाइनली ये जो आ जाएगा वो, हाँ इसको मैं कैलकुलेट कर देता हूँ यहाँ, 0.17 फाइनली, तो ये आ जाएगा 1.17 और इंटू 10 की पावर -1, मतलब 0.117 वोल्ट, 0.1 मतलब डी ऑप्शन सही है, आई होप ये समझ में आ गया होगा, आसान सवाल था ये।